अभी हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हैं, जहां पर यमुना के जलस्तर में आई गिरावट का असर साफ दिख रहा है। हम आपको पहले कालिंदी कुंज यमुना घाट की यहां की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर बुधवार और गुरुवार को जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी यमुना के जलस्तर में हुई थी, तब इन सभी इलाकों में पानी चढ़ा हुआ था और करीब 2-3 दिनों तक यहाँ पर पानी चढ़ा हुआ नज़र आया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है पानी उतर गया है और करीब कालिंदी कुंज यमुना घाट पर 10 फीट तक पानी नीचे उतरा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम आपको दूसरी तरफ की इधर की तस्वीरें दिखाएंगे, ये सब जो जगह था ये सब पानी में डूबा था। जो मूर्तियाँ वगैरह हैं ये सब डूब चुका था। वो जो कल है पानी पीने वाला वो भी डूब चुका था, उसके ऊपर 2-3 फीट पानी था। इपाकल पानी पीने वाला यहाँ घाट पर है, इसमें जो है 2-3 फुट ऊपर इसके ऊपर पानी था, लेकिन ये सब उतर चुका है। इसके अलावे ये जो मूर्तियाँ हैं भगवान की, ये सब पे पानी में डूब चुका था। ये चबूतरा था, ये पानी में डूब चुका था, इसके 2-3 फीट ऊपर तक पानी बह रहा था। ये सब आगे अब आगे जो है अपनी पेटी में यमुना आ गई हैं। और लगातार जो है गुरुवार शाम पर यमुना की बढ़ोतरी रुकी थी और उसके बाद शुक्रवार से गिरावट दर्ज की गई थी और लगातार गिरना शुरू हुआ। शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार को काफ़ी गिरा यमुना का जलस्तर और गिरने के बाद कम हुआ काफ़ी। हालांकि सोमवार सुबह से हल्की जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिसके बाद कालिंदी कुंज घाट पर 1-2 फीट तक पानी बढ़ा है, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अभी भी जो यमुना के अंदर जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ बहाव आपको कालिंदी कुंज यमुना घाट पर यमुना के जलस्तर का दिखेगा। दरअसल इस तरीके की स्थिति यमुना के जलस्तर में राजधानी दिल्ली में नहीं दिखती है, अक्सर बदहाल यमुना की तस्वीरें नज़र आती हैं। लेकिन इस बार बरसात के समय में यमुना अपने रिकॉर्ड स्तर पर गई हैं और रिकॉर्ड स्तर में जल में वृद्धि हुई है, जिसके बाद दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हुआ है। कई इलाकों में पानी पहुँचा था, कई तरह की समस्या आई थी, हज़ारों लोग प्रभावित हुए थे, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा था और तमाम बाढ़ की स्थिति जो है दिल्ली में उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब जैसे जैसे जलस्तर में कमी आ रही है तो लोगों ने राहत की सांस ली है और काफ़ी जो एक बाढ़ का संकट था उसमें कमी आई है और लोग जो हैं राहत की सांस लोगों ने लिया है और जलस्तर का कमी का असर जो है कालिंदी कुंज घाट पर भी नज़र आ रहा है। बता दें जो रिकॉर्ड स्तर में वृद्धि हुई थी यमुना के जलस्तर में, उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा था और हज़ारों लोग उससे प्रभावित हुए थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया हुए थे। और हम एक बार फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कालिंदी कुंज यमुना की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसमें अभी भी बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन जो है जो बीते दिनों जो इजाफा हुआ था उससे काफ़ी कम है जलस्तर में आपका कमी आई है। और इस जो राहत की खबर है दिल्ली वासियों के लिए, और दूसरी तरफ की तस्वीरें आप एक घाट की देख रहे हैं जो सब पर पानी चढ़ा हुआ था, करीब 10 फीट से 15 फीट तक आगे पानी चढ़ा हुआ था, वो सब धीरे धीरे अब पानी उतर चुका है और यहाँ पर अब जो घाट है वो सूखा हुआ नज़र आ रहा है। और ये राहत भरी खबर है और यहाँ पर पानी काफ़ी उतरा है और जो बहाव है वो यमुना में लगातार जारी है। बता दें बीते दिनों इसी जो ये जो दोनों ये पुल आपको नज़र आ रहा है, एक मेट्रो का है और एक रोड का, और जब ये पानी भरा था तो इस पे जो ऊपर मेट्रो लाइन है उसकी रफ्तार भी थमी थी। गुरुवार को और शुक्रवार को रफ्तार धीमी की गई थी, चूँकि इसके ऊपर से ट्रेनें गुजरती हैं, मेट्रो ट्रेनें, तो चूँकि यमुना के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई थी तो रफ्तार जो है वो धीमी हुई थी। लेकिन अब सब सामान्य हो रहा है चूँकि जलस्तर में कमी आई है, उसके बाद से स्थिति अब में सुधार हो रहा है और जो जलस्तर में कमी आई है उसका असर यहाँ यमुना घाट पर दिख रहा है। यहाँ का जो घाट जो पूरा लबालब पानी से भरा हुआ था वो सबसे पानी अब उतर चुका है। और ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये कालिंदी कुंज यमुना घाट की तस्वीरें हैं, जहाँ पर गुरुवार की बात करें तो पूरा उफान पर था, वो जो नाव दिख रही है वहाँ तक पानी पहुँचा हुआ था और जैसे जैसे अब जलस्तर में गिरावट आई है उसके बाद ये पूरा पानी उतर करके अब नीचे आ चुका है और जो यमुना है वो अपने पेटी में बह रहती हुई नज़र आ रही हैं। इधर की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये पूरा जो है ये जो लकड़ी है, नाव पूरा डूबा हुआ था पानी में, ये जो ये चबूतरा है पूजा पाठ करने वाला, ये सब डूबा हुआ था, ये सब पानी अब यहाँ से उतर चुका है और जो लहरें हैं वो उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अभी भी बहाव तेज़ है, वहीं
सोमवार सुबह से हल्की बढ़ोतरी जलस्तर में जो है यमुना की ओर दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार सुबह से गिरावट के बाद हल्की बढ़ोतरी हुई है, 1 से 2 फीट यहाँ पर यमुना का जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रविवार को काफ़ी कमी आई थी और उस रविवार की अपेक्षा 1 से 2 फीट तक यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी सोमवार को हुआ है। वहीं बहाव अभी भी काफ़ी तेज़ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर जो है वो यहाँ पर पानी में काफ़ी बहाव तेज़ है अभी भी। बता दें राजधानी दिल्ली में यमुना अब 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर बुधवार और गुरुवार को पहुंची थी। उसके बाद दिल्ली के कई निचले इलाकों में बाढ़ आया था, पानी पहुंचा था, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए थे और उनके सामने बाढ़ का खतरा उत्पन्न हुआ था। लेकिन अब गुरुवार शाम से यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी रुकी थी और उसके बाद शुक्रवार को कमी आना शुरू हुआ था। उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को कमी लगातार देखी गई थी और रविवार को काफ़ी कमी आ गई थी और उसके बाद से ही लगातार कमी का सिलसिला जारी है यमुना में। और अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हो कालिंदी कुंज यमुना घाट की देख रहे हैं, जहां पर ये यमुना के जलस्तर में हुए कमी का असर साफ दिख रहा है। देख सकते हैं कमी जो है वो पानी में साफ नज़र आ रहा है। यहाँ के जो घाट हैं वो आपको अब खाली सूखे नज़र आ रहे हैं, जो चबूतरे वगैरह बने हुए हैं सब डूब चुका था पानी में, इसके ऊपर पानी बह रहा था, सब अब खाली नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी भी जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर दिल्ली में यमुना बह रही हैं और वो बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको एक बार फिर से एक घाट की तस्वीरें दिखा देते हैं। पूरा घाट है जो जलमग्न हुआ था 2-3 दिन तक के लिए, लेकिन अब ये सबसे पानी उतर चुका है और धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है। हालांकि एक बार फिर यमुना के जलस्तर में हल्की इजाफा जो है वो सोमवार सुबह से हो रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और इजाफा अगले कुछ समय में हो सकता है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।